हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और एक पुराने यूट्यूबर हैं, 2-3 साल 4 साल से आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, या फिर आप एक नए क्रिएटर हैं, आपने नया नया चैनल अपना बनाया है और आपको ये नहीं पता कि अब मैं अपने चैनल को कैसे ग्रो करूँ, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसके करने से आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी जो चैनल है वो सर्च में भी आएगा, आपकी वीडियो भी रैंक करेगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ है अपना एक डमी चैनल, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है और आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में अपने चैनल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूट्यूब स्टूडियो का एक ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड नंबर पर, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यूट्यूब स्टूडियो का। यहाँ पे आपको नीचे लेफ्ट साइड में ही सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन जो चैनल है जनरल के नीचे चैनल, उस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक इन्फो में कंट्री आ जाती है सबसे पहले आप जिस कंट्री से हैं, और यहाँ पर कीवर्ड्स का एक ऑप्शन आ रहा है तो आपको ये वो सेटिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ज़रूर डालने हैं, तो यहाँ पर कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, कैसे डालने हैं, वो इसको इस सेटिंग को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो भी चैनल का नाम है, चाहे गेमिंग का कोई चैनल है या टैक्स से रिलेटेड है या फिर कोई और एजुकेशनल चैनल है या और भी कोई भी चैनल है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने चैनल का पूरा नाम लिखना है, जो भी आपके चैनल का नाम है। तो मैं यहाँ पे अपने इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पे चैनल है, ठीक है, उसका मैंने पूरा नाम लिख दिया एक बार। फिर आपको एंटर कर देना है तो ये एक टैग बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चैनल का जो ये पूरा नाम आपने लिखा है अब इसको अलग अलग डिवाइड करके लिखना है आपको एक एक वर्ड को, ठीक है। तो जैसे मैं पहला वर्ड डिवाइड कर देता हूँ, फिर दूसरा कर देता हूँ और फिर तीसरा कर देता हूँ, ऐसे आपको भी अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। और फिर आपको यहाँ पे अपने जो भी चैनल के कॉन्टेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग्स डालने, जैसे आप टेक्निकल से रिलेटेड डालते हैं, टेक्निकल का चैनल है तो आप उससे रिलेटेड अपने यहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे ताकि कोई भी आपके चैनल को या उस कीवर्ड को सर्च करे तो आपका चैनल ऊपर दिखाई दे, रैंक करे, ठीक है। इससे आपके चैनल को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ इस चैनल, एक डमी चैनल है और इस पर मैंने सिर्फ मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं तो उससे रिलेटेड मैं कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दूंगा। तो ध्यान रखें यहाँ पे आप 500 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डालें जिससे आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो। तो जब आपके सारे कीवर्ड्स डल जाएँ यहाँ पर आप एक और कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे अगर आपका जिससे रिलेटेड चैनल है वो कीवर्ड भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी और भी डाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे रिव्यू का भी डाल सकता हूँ, रिव्यू, जो भी मैं अपने चैनल में इसमें करता हूँ वो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाले, ऐसे ही आपको भी डालने हैं। और यहाँ पे आपको सेव, नीचे सेव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो ये वो सेटिंग थी जिससे आपके चैनल को ग्रो होने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इससे आपकी वीडियो भी रैंक करेगी, चैनल भी सर्च में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सेटिंग करने से आपका चैनल ग्रो होने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये सेटिंग पहले से कर रखी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।